जी जनाब, आपको मैंने मैसेज छोड़ा था मोहम्मद आकम साहब की कि मुझे जब फतवा उनसे जानना था। वैसे तो मेरी बहनों को इसका जवाब ऑनलाइन दे चुके थे, लेकिन हम हाँ, इन रिटर्न सुनिए जा रहे सुनिए हैं सुनिए और मेरे सुनिए, घर याद में है आप बहन तो बहन जी। होल्ड ऑन होल्ड, बहन आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बोल रही हैं? जी मैं रियाद से बात कर रही हूँ, सैयदा फातिमा अकरम जी। सैयदा फातिमा अकरम जी। जी बहन बोलिए, मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आपकी लाइव ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। जी फरमाइए। जी आकर साहब, मैं अपनी भांजी के मामले में आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहती हूँ। जी, मेरी बहन को हेलो हेलो, रियाज से तो कम से कम नॉर्मल कॉल कर सकती हैं आप। यू कैन कॉल मी नॉर्मल। अब सिर्फ रियाज में कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1-2 रियाल। एनीवेज लेट मी कॉल हर इफ शी पिक्स। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नॉर्मल कॉल, आप तो रियाज में है ना, तो 1-2 रियाल अगर आप अपनी भांजी के लिए खर्च कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको अभी उससे कॉल कर लेती हूँ, नो आपको प्रॉब्लम रहने नो दीजिए, प्रॉब्लम। मैं अभी आपसे तो कॉल कर लेती हूँ। अभी तो कॉल हो रही है ना, ये अभी तो फ्री में ही काम चल जाए। तो ये जो पैसे बचेंगे आप अपने शोहर से कहिए, और आप भी बल्कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जी, बिल्कुल। हमने सब्सक्रिप्शन भी कर रखी है, क्योंकि आपको जब मैंने मैसेज किया था तो उन्होंने कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। ज्वाइन करेंगे तो आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। तो जो पैसे आपके कॉल जी तो जो फेसबुक एसटीसी के थ्रू, फेसबुक जी, के थ्रू मैं इसको ज्वाइन कर लूं? नो, जब आप उसमें जाती हैं ना हमारे चैनल पर, वहां एक ब्लू कलर का बटन नजर आता है, उसमें लिखा होता है ज्वाइन। तो जब आप उसको दबाएंगे ना ज्वाइन, वहां पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो वहां आप वीआईपी मेंबर बनिए, फैमिली मेंबर बनिए, ताकि इसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। और जब अगर आप फाइनेंशियली इसको सपोर्ट स्ट्रांग करेंगी ना, तो इससे बहुत सारे घर बच सकते हैं। जैसे आपकी जी भांजी का बिल्कुल। मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी फरमाइए। अब आप क्या, आपका नाम क्या है, मैं भूल गया। जी मैं सैयदा फातिमा अकरम बात कर रही हूँ सैयदा रियाद फातिमा से। अकरम, रियाज। शोहर क्या करते हैं आपके बेटे? जी मेरे शौहर हॉस्पिटल में होते हैं, इंश्योरेंस में, एस्ट्रो हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में है वो? सनद हॉस्पिटल में है रियाद में ओके, ऐसे सनद। जी, एस्ट्रो सनद में। ओके ओके जी फरमाइए। जी आकर साहब, मैं आपसे जानना चाहती थी कि मेरी छोटी बहन है सैयदा सना उजैर, उनके हस्बैंड ने उनको तकरीबन, मैं आपको बताती जाती हूँ, 18 अक्टूबर 2017 को उनको तलाक दे दी थी, पहली तलाक जो उनकी में। तो उन्होंने फिर 22 नवंबर में उन्होंने उनसे मतलब रुजू कर लिया था, फिर 16 अगस्त 2019 को उन्होंने उन्हें फिर से तलाक दे दी थी, जिसका रुजू 24 अगस्त को दोबारा हो गया था। और वो जो दूसरी तलाक उनको दी गई है, उस वक्त वो 6 महीने की हामिला भी थी। ठीक है जी। जी और अब उन्होंने 2021 अप्रैल 12 को तीसरी तलाक दी है, तो उसमें उनके शौहर का कहना ये है कि वो बेइंतहा गुस्से में थे, उनसे बहुत मतलब गलती से हो गया है ये मामला, और ये उस वक्त 6 दिन की मतलब हैज की हालत से थी, बच्चे की पैदाइश हुई थी उनकी। अब ये ओके दोनों मियाँ बीवी रुजू करना चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके अब ये 3 बच्चे हो चुके हैं, तो कोई अगर इसमें कोई अभी भी गुंजाइश है तो आप प्लीज मुझे गाइड करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? जी, बिल्कुल। वहां वीडियो मौजूद है कि उस निफास की हालत में शेख इब्न बाज का, जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम है, उनका भी फतवा है कि निफास की हालत में तलाक वाकई नहीं होती। ऐसी सूरत में जबकि बच्चे की विलादत हो और विलादत के बाद
नापाकी के अय्याम से औरत गुजर रही हो तो वो तलाक वाक़े नहीं होती। तो आपके जो आपकी बात यहाँ पे, माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, आपके यहाँ उनके शौहर ने भी राब्ता किया था तो उन्होंने अरबी में उनको खतवा के तौर पे मतलब कुछ पेपर जारी किए हैं, लेकिन मसला ये है कि अब इसमें उनको प्रॉपर एक फतवा चाहिए कि जिसके तहत वो ये मतलब दोबारा रिव्यू कर सके, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है मेरे पास। वक्त कैसे कम रह गया है बहन, जरा बताएंगे आप मुझे? क्योंकि 12 रमजान को ये तीसरी तलाक का इनका मामला हुआ था, 12 रमजान को, तो उसके हिसाब से इनके रुजू के अंदर अब मुश्किल से 20 दिन है कि इसमें इनका ये मामला हो जाए। आप मेरे ख्याल से, मैं तो बहुत सिंपल उर्दू में आपको ये कह रहा हूँ कि ये जब तलाक हुई ही नहीं है तो रुजू कैसे होगा? रुजू तो उस वक्त होगा ना जब तलाक होगी। ठीक है, तो आखिर साहब ये जो तीसरी का मैंने आपसे पूछा, ये मतलब इस पे अप्लाई होती ही नहीं है, मतलब मैं इन रिटर्न, आखिर साहब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं इन रिटर्न चाह रही हूँ, क्योंकि दुनिया का मुंह भी यहाँ बंद करना पड़ता है, आपको पता है। एक मैं बात बताऊं आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरे मेरी बहन, एक मरतबा आप सुन लीजिए। देखिए, दुनिया का मुंह बंद करने के लिए हर आदमी को आप खुश नहीं कर पाएंगी। आपके पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगी तो वो ये कह देंगे कि जनाब तलाक हो गई है, जनाब हलाला कर लो, और हलाले के बाद फिर आप वो करोगे। किसी ने ये भी मशवरा शायद आपको दिया होगा। जी जी जी, नहीं हम, मुझे तो आपकी जो आपकी वीडियो थी उस सिलसिले में, वो भी मतलब मुझे, मैंने देख ली थी, और आपने जो वहां से उनका पुत्र उनके शौहर को जारी किया था, मैंने वो भी देख लिया। वो काफी है अगर घर बसाना है। देखिए देखिए बहन, अगर घर बसाना है तो वो काफी है, मोर देन एनफ है। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि वो कॉम्प्लिकेशन से गुजरे आपकी भांजी और आपके दामाद, तब फिर आप उन्हें किसी आजमाइश में आप डाल सकती हैं। मेरा मशवरा ये है कि उनके लिए इस कपल के लिए रास्ते आसान करें, उनको कॉम्प्लिकेशंस में ना डालें। जी, तो वो उन्होंने जो तलाक दी है, आपने हमारे चैनल पर सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का फतवा सुन लिया है, वो तलाक सिरे से वाकई नहीं होती, जो कि विलादत के बाद निफास की हालत में दी जाए। तो ऐसी सूरत में जब तलाक ही नहीं हुई है तो फिर शॉर्ट टाइम और लॉन्ग, वो तो टाइम बहुत है जिंदगी अल्लाह ताला ने, लेकिन उनको, मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि अल्लाह के लिए आप अकल के नाखून लें, मुस्तकबिल में तलाक मत देना अपनी बीवी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की वजह से ही हम हाथ पैर मार रहे हैं, ताकि कोई और मसले मसाइल ना हो, और ये अल्लाह से तौबा करें। सही बात है, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, गलत काम है। अल्लाह ताला इनके एक कोई बच्ची की पैदाइश, और बच्चा सलामत है? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, बच्चा, एक औरत बच्चा देती है और शोहर उसको तोहफे में बजाय इसके के लिए उसके सोने का कंगन या हार पहनाए उसे तलाक का तोहफा दे, ये कहाँ की हिमाकत है यार, ये तो बहुत गलत बात है। बस आकल साहब, अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं जब, तो इसी तरह से होता है, जबकि वो खुद तबलीगी जमात में है, उनके शौहर जो है। अल्लाह इस तबलीगी जमात से बचाए, अल्लाह इस तबलीगी जमात से बचाए, ये बहुत सारे लोगों के अकीदों को भी खराब कर रही है और घरों को भी खराब कर रही है। आप हमारे चैनल पर, आप हमारे चैनल पर देखिए कि तबलीगी जमात के जो अकायद हैं उन पर भी हमने गुफ्तगू की है, और आप बहरहाल ये जो तलाक हुई है ये सिरे से तलाक नहीं हुई है, तो इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े। अच्छा आखिर साहब, अगर कोई औरत, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी, अगर कोई औरत हामिला होती है तो उस सूरत में भी आखिर साहब तलाक नहीं होती है ना? नहीं नहीं नहीं, औरत हामिला अगर होती है तो तलाक हो जाती है। अच्छा हाँ, तलाक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग हैं बहन जो के तलाक के मसाइल में बहुत ज्यादा, एक तो ये कि एजुकेशन की कमी समझ लीजिए, तलाक की जो सूरत है वो किन हालात में नहीं होती, अगर औरत हैज से हो, और औरत से अगर हैज के बाद किसी ने हमबिस्तरी कर ली है और फिर उसको एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, दूसरे हैज से पहले तलाक दी है, तो हमबिस्तरी करने के बाद उसको तलाक का
का हक नहीं है, ये तलाक भी कबूल नहीं की जाएगी। तो तलाक जो चीजें जिन अय्याम में तलाक कबूल नहीं की जाती उनमें से ये भी है कि हैज की हालत में ना हो, हम बिस्तरी करने के बाद तलाक ना दी जाए, और औरत जब बच्चा पैदा हो, बच्चे जब तक के वो पाक ना हो जाए उस वक्त तक तलाक ना दी जाए। अब ये है कि आपको और आपके ये जो दामाद हैं उनसे कहिए कि चैनल को सपोर्ट करें। और आप सऊदी अरब में हैं अब्दुल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कॉल लग गया है मेरा, अदरवाइज कॉल लगता नहीं है, यहाँ व्हाट्सएप की कॉल चलती भी नहीं है ना। तो जो पैसे आपके बचे हैं वो चैनल को डोनेट कर दें, चैनल को सपोर्ट करें ज्वाइन मेंबरशिप के जरिए। जी जी बिल्कुल आकर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ? बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखते रहे चैनल को, मसला जब हल हो जाता है ना, तो बहुत से लोग हैं कहते हैं हम चैनल को बहुत सपोर्ट करेंगे, हद दर्जे आगे तक लेकर जाएंगे, और जब मसला हल हो गया, एक डॉक्टर है कराची में, एक घंटा उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करी, रोने लगे, और मैं क्या बताऊं, मैंने उनका मसले का हल बता दिया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं ठीक है कबूल कर लेता हूं और रुजू कर लूंगा, लेकिन उनकी बेगम ने भी कहा कि हम आपके चैनल को सपोर्ट करेंगे, एंड हाईली एजुकेटेड पीपल। मैंने उनको कहा कि आपने रुजू कर लिया, आपके मसले का हल हो गया है, आप चैनल को सपोर्ट करें। सो देयर इज नो रिस्पांस, देयर इज नो रिस्पांस, इवन मेरे मैसेज को सुनकर भी या पढ़कर वो इस चैनल को ज्वाइन मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर दिया है ना, इन नमानु तुमकुम लिवजिल्ला ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमने तो आपका काम कर दिया है, आपकी मदद की है। अल्लाह ताला इस मदद करने को हमारे मवाज़ीन हसनात में और वो लोग जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके मवाज़ीन हसनात में इसे दर्ज फरमा ले, और बस हमारे हमारे वजूद से, हमारी आवाज़ से, हमारे इस चैनल की वजह से घरों में खुशियाँ बहाल हो जाएँ, ये भी हमारे लिए बाइस सआदत, बाइस फख्र और बाइस अजर है। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।